हाय माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नीतू जीतू ऑफिशियल के आज के ब्लॉग में। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आते जा रहा है। सो 8 मंथ ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, 2-3 दिन बाकी थे। बट सडनली क्या हुआ ना कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो मुझे हॉस्पिटल आने पड़ा। आप देख सकते हो ड्रिप वगैरह भी लगा हुआ है। सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। बट यहाँ पर आने के बाद मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मुझे भर्ती कर दिया जाएगा, एडमिट होना पड़ेगा। और मैं पिछले 2 दिन से एडमिट हूँ। बट ये मेरी फर्स्ट डिलीवरी है और फर्स्ट डिलीवरी में मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी बहुत कमी है। और जैसे कि मैंने बताया था कि 5 साल बाद ही मेरी डिलीवरी कंसीव हुई थी, तो डर लगा रहता था। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल निश्चिंत थे। बेबी का मूवमेंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बाद भी डर लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि सडनली क्यों पेन शुरू हो गया। तो इसके बाद मेरे फैमिली वालों ने, मतलब मेरी सासू माँ, मम्मी, सासू माँ और पति देव, बाकी जो भी है हमारे फैमिली मेम्बर भैया लोग, सब लेकर के हॉस्पिटल आए थे। हम लोग हॉस्पिटल आए थे तो यहाँ एडमिट होना पड़ा। फिलहाल अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट सिलाई अभी भी चल रहा है। सो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। आई थिंक मेरे मुँह से गलती हो गई थी, मैंने मैगी खा लिया था। अब इसकी वजह से हुआ है कि किसके हुआ है आई डोंट नो। बट हाँ गाइस, मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, वही उस सारी लेडीज से यही कहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप मैगी ना खाएं, क्योंकि ये बेबी के लिए हार्मफुल होता है। क्योंकि मैदा क्या होता है, मैदा जहाँ तक मुझे पता है बोलते हैं कि बॉडी में चिपकता है, तो मैदा नहीं खाना चाहिए। मैंने ये खाया था, मैंने गलती करी थी, आप मत कीजिएगा। और सेकंड मंथ में जब मुझे पेन हो रहा था ना, सॉरी 8 मंथ में जब मुझे पेन हो रहा था, तो मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, सडनली पेन होना शुरू हो गया, बेबी का आने का टाइम हो गया, ऐसा था मेरे साथ। बट जब मैं डॉक्टर के पास आई तो ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अभी भी मुझे 1-2 दिन रहना पड़ेगा। इंजेक्शन तो इतने बड़े बड़े लग रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बाप रे, लाइफ में पहली बार मैंने इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लिए थे। बहुत डर लग रहा था इंजेक्शन से, और इंजेक्शन काफ़ी बड़े थे। मतलब कि क्या ही बताऊँ, एक तो मेरी जब से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तब से इंजेक्शन चल ही रहा है, अभी ना जाने और कितने इंजेक्शन लगेंगे। बट नाउ आई एम हैप्पी, 5 साल बाद मैं कंसीव कर पाई, मेरा बेबी आने वाला है। आई एम सो हैप्पी। बस आप लोगों से यही दुआ है कि दुआ कीजिएगा, प्रे कीजिएगा कि मेरी बेबी और हम दोनों बिल्कुल सही सलामत रहे, हमारा बेबी अच्छे से आ जाए। मैं उसके आदमी के साथ ही आपके साथ उसका वीडियो शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरा बेबी कैसा है। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। वैसे तो ये वीडियो मैं अभी पोस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पतिदेव ने कहा अभी बिल्कुल पोस्ट वोस्ट नहीं करना है। जब बेबी आ जाएगा, जब सब कुछ सही हो, इसके बाद ही पोस्ट करना। और सही बताऊँ तो मेरे में भी इतनी कैपेसिटी अभी नहीं रहती है, क्योंकि काफ़ी थक जाती हूँ। आप देख सकते हैं एसी चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे गर्मी गर्मी लग रहा है। बोलते हैं कि इस टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, तो शायद इसी की वजह से। और मुझे तो पहले इतनी गर्मियाँ नहीं लगती थी, लेकिन अभी जितने इंजेक्शन पड़ रहे हैं ना, इसकी वजह से मुझे इतनी गर्मी होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। बट ज़्यादा एसी में भी नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा एसी में भी नहीं रहती हूँ। बट सही में गाइस, माँ बनना इट्स वेरी डिफिकल्ट, मुझे अब रियलाइज हो रहा है। मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ, मम्मी यहाँ है नहीं, बट मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज ब्लॉग आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। सो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया 8 मंथ प्रेगनेंसी का। आप मुझे एडवाइस भी दे सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। बस आपकी आशीर्वाद और आपकी दुआ बनाए रखिएगा कि हम और हमारा बेबी बिल्कुल ठीक हो। मिलती हूँ नए ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तक के लिए जय श्री कृष्णा।